Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the class of UPSC CSAT today we will discuss pie chart. Data interpretation के अंदर से इस बार हम करेंगे class के अंदर pie chart discuss. अब आपको पता है अभी 2021 के अंदर भी pie chart पे based एक question exam के अंदर आया हुआ था. वैसे भी data interpretation important है. अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए इस बार, बट 2018 के अंदर आपको पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे. दैट मीन्स कि हम डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं. हाँ, और साथ में इजी पार्ट है ये, कोई आपको ऐसा नहीं है कि काफ़ी कुछ अलग से प्रिपेयर करना है, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अभी जैसे आज हम पाई चार्ट करेंगे तो आपको इस क्लास के बाद में पाई चार्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. इस क्लास के बाद में आपको पाई चार्ट के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सिंपल बट जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझ लेंगे सभी. ओके, तो उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही है तो पहले वो मैं एक मिनट लूंगी. बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एक मिनट लेंगे आपका. क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए. काफ़ी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, क्रैश कोर्स काफ़ी ज़्यादा जा रहा है. तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर मुझे कंप्लीट कोर्स लेना चाहिए या फिर मैं टेस्ट सीरीज लूँ? तो देखिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपने 2022 के अंदर एग्जाम देना है, इन दैट केस गो फॉर द क्रैश कोर्स. हाँ जी, अगर आप 2022 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं बेटा तो उसके लिए क्रैश कोर्स बेटर रहेगा और साथ में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो. कौन जो 2022 के लिए. अब 2022 के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी मेरा सिलेबस तो पूरा प्रिपेयर है, सिलेबस मेरा पूरा प्रिपेयर है, जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए और मुझे खुद से ये पता चल जाए कि मुझे कितना आ रहा है. तो उसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो. ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस साल अपेयर नहीं हो रहे हैं, वो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑब्वियसली एक साल की मेहनत तो चाहिए ही होती है, तो आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो 3 के लिए. तो उस केस में जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 23 के लिए, ठीक है, तो उनको जाना चाहिए कंप्लीट कोर्स के लिए, क्योंकि क्रैश कोर्स इसके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है, थोड़ा कुछ सिलेबस भी कर्टेल किया हुआ है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया सो दैट कि आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाए. ओके, बट कंप्लीट के और उसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है, डन. तो जो स्टूडेंट्स 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे शुड गो फॉर कंप्लीट कोर्स. ओके, जो अभी 22 के अंदर जिन्होंने एग्जाम देना है दे कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स. क्लियर? हाँ जी, तो आई थिंक इसमें अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इन दैट केस आप कॉल कर सकते हो, आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हो लेक्चर पे, वहाँ पे भी व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो. जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करो. ओके, बट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ओके, सो स्टार्ट करें. देखिए, हाँ जी, आज की क्लास स्टार्ट करते बेटा. आज हम करेंगे पाई चार्ट. अब देखिए, पाई चार्ट को देखते ही हमारे माइंड में एक सर्कल आता है ना, सर्कल जो कि डिवाइडेड है स्लाइसेस के अंदर, सर्कल जो कि डिवाइडेड है स्लाइसेस के अंदर. अब यहाँ पे आपके पास पहले एक बार कंसेप्ट समझ लो कि क्या आ रहा है, कि अगर आप इस सर्कल को लेते हो तो इस सर्कल के अंदर जो स्लाइसेस डिवाइडेड है वो डाटा या तो आपके पास में गिवन हो सकता है परसेंटेज के अंदर, जैसे यहाँ पे 13%, 18%, 12%, या फिर आपके पास में जो डाटा है वो हो सकता है डिग्रीज के अंदर, लाइक मैं कहूँ 40 डिग्री 60 डिग्री, इस तरह से, डन. तो अगर हमारा डाटा परसेंटेज के अंदर गिवन है, इन दैट केस टोटल जो है, टोटल रिप्रेजेंट करता है हमेशा 100% को. कब? जब आपके पास में परसेंटेज में डाटा गिवन है. अगर आपके पास में डाटा डिग्रीज में गिवन है, इन दैट केस जो टोटल है, टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री को. बस ये छोटा सा पॉइंट है. दैट मींस कि 1% अगर परसेंटेज में है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? टोटल डिवाइडेड बाई 100. ओके, और अगर डिग्रीज में है तो टोटल डिवाइडेड बाई 360, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी. तो जितना भी डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लोगे. क्लियर? एक और पॉइंट, अगर आपके पास में डाटा गिवन है परसेंटेज के अंदर और आपसे डिग्री में पूछ लिया जाए कि हाँ जी इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए डिग्री में क्या होगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास में मैथ्स है, है ना, मैथ्स का सेक्शन है. मैं कहती हूँ कि ये वाली जो स्लाइस है हमारी मैथ वाली, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो. ये कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैसे करोगे? हमें पता है कि भाई जो टोटल है,
टोटल कितना है आपके पास में 360 डिग्री, अगर मैं डिग्री में बात करूं तो, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना है हमारे पास में 100%। ओके, तो 100% बेटा अगर आपके पास में 360 डिग्री के इक्वल है तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 3.6 डिग्री के इक्वल हो गया। 1% किसके इक्वल हो गया, 3.6 के। अब आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी मैंने कहा मैथ वाला फाइंड आउट करना है, तो अब मैथ्स के लिए कितना है 12%, तो 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.6 इंटू 12, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर इन डिग्री। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अगर इसी तरह से अगर परसेंटेज में पूछा जाए और डाटा गिवन है आपके पास में डिग्रीज के अंदर, तो रिवर्स हो जाएगा। डन, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले सभी ने ये देखना है कि जो भी आपके पास पाई चार्ट गिवन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि मेरा पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तभी तो हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहते हैं द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम इन जुलाई 2017 के अंदर जो जो भी सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें उनका डाटा गिवन है। स्टडी द डाटा केयरफुल एंड गिव द आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 300, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 300। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि जब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 300, तो अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ज्योग्राफी के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 18% ऑफ 300, कितना आ गया आपका, सीधा परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 54। डन, तो इस तरह से आप यूज कर लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स टूगेदर, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स टूगेदर इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड संस्कृत एंड फिजिक्स, संस्कृत एंड फिजिक्स। अब यहाँ पे दो तरीके आपके पास करने के लिए, पहले आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आप मैथ्स के स्टूडेंट फाइंड आउट करो, दोनों का टोटल करो। दूसरा क्या है कि संस्कृत के स्टूडेंट फाइंड आउट करो, फिजिक्स के स्टूडेंट फाइंड आउट करो, टोटल करो, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर आपका आंसर आएगा। एक क्या है कि आपको अलग अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि टोटल तो 300 ही है, टोटल तो 300 है, दैट मीन्स कि जो भी परसेंट है वो 300 में से, तो आपको जरूरत नहीं है। सिंपल देखो, अगर हम ज्योग्राफी और मैथ्स की बात करें तो कितना बन रहा है आपके पास में, हाँ जी 30% ऑफ टोटल। डन, अगर हम संस्कृत और फिजिक्स की बात करें तो कितना बन रहा है आपके पास में 40% ऑफ टोटल। दैट मींस कि ये इसे कितना लेस है, कितना लेस है, डिफरेंस के इक्वल लेस है, कितना है 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल, टोटल कितना है हमारे पास में 300, दैट मींस कितना आ गया आपके पास 30, सो योर आंसर विल बी 30। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, हाँ जी कोई डाउट किसी को, क्लियर है सभी को, हाँ जी बताएंगे सभी। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पाई चार्ट गिवन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव एग्जाम इन अगस्त 2017। अब ये जो डाटा है ये कब का है, जुलाई 2017 का, और आपसे पूछा क्या गया है अगस्त 2017। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन अगस्त 2017 एज कंपेयर टू जुलाई 2017। अब हमें पता है कि भाई जुलाई 2017 के अंदर कितने स्टूडेंट्स है टोटल 300, कितना इंक्रीज हो गया 20%, 10%। अब देखो 20% कैसे निकालेंगे, 20% 10% दैट मींस कितना हो गया 30, एक जीरो कम कर दे, 20% दैट मींस कि 60, तो टोटल कितने हो गए आपके पास में 300 प्लस 60 दैट मींस 360। डन, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 360 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोई इसके अंदर डाउट, ऐसे भी कर सकते हो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120% हो गया, दैट मींस कि 300 का 120% कितना हो गया 360। देन जिसको जैसे इजी लगता है वैसे आप कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल। देखो इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था इस बार 2021 के अंदर कि सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करो। क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फिजिक्स। फिजिक्स के लिए सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पे फिजिक्स कितना है आपके पास में, 16%, 16% ऑफ एंगल फाइंड आउट करना। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। वही मैंने आपको बताया कि 3.6 रह जाए। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो कितना आ गया, ये हो गया बेटा 16 × 96 16 × 48। डन। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 57.6 डिग्री। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड हिंदी ज्योग्राफी एंड संस्कृत टुगेदर। अगेन क्या कर सकते हो, पहले तो आप हिंदी का फाइंड आउट करो, फिर ज्योग्राफी, फिर संस्कृत, और फिर टोटल करके उसको 3 से डिवाइड कर दो। एक क्या है कि हम पहले जो एवरेज है वो परसेंटेज में ही निकाल लें, हमें सिंगल सिंगल को फाइंड आउट करने ना पड़े, आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, हिंदी प्लस ज्योग्राफी प्लस संस्कृत अगर हम देखें तो कितना है, हिंदी 13%, ज्योग्राफी 18% एंड संस्कृत 24%। डन। कितना हो गया, ये हो गया बेटा 8, 3, 11, 31, 31, 51 और ये हो गया 55, 55% ऑफ टोटल। ओके, 55% ऑफ टोटल आ गया। अब यहाँ पे एवरेज अगर हमने लेनी है तो क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, और टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास में, 300। ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया 55। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 55 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, 55 विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए कोई इसमें डाउट, क्लियर है। तो पाई चार्ट पे अगर क्वेश्चन आएगा, आई होप सभी कर लेंगे इस तरह का, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने लिया है, सेकंड के अंदर थोड़ा रेशियो भी लेंगे हम, कुछ और भी ऐड करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश फिजिक्स ज्योग्राफी टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत। ओके, अगेन सिंगल सिंगल को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें पता है कि सारा तो टोटल का ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंग्लिश इंग्लिश ये इंग्लिश फिजिक्स एंड ज्योग्राफी कितना बन गया आपके पास में, ये हो गया हमारे पास 35, 35, 45 एंड ये हो गया आपके पास में 45 + 6, 51 51% ऑफ टोटल। अब इसका देखते हैं क्या है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत, अब इसका टोटल करो, ये कितना हो गया आपके पास में 13, 17 ही हो गया 30, 30 + 50, 50 + 4, 54% ऑफ टोटल। ओके, सीधा कैंसिल आउट कर दो भी परसेंटेज टोटल, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, 3 से हमने किया थी हो गया 17, और इसको अगर हमने 3 से किया थी हो गया हमारे पास 18। तो रेशियो क्या आ गई, 17:18, 17:18 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पाई चार्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो एक आपके पास में पाई चार्ट गिवन है, साथ में ही आपके पास में एक टेबल गिवन है छोटी सी, जो कि रेशियो डिनोट कर रही है मेल और फीमेल की। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया, जब आप DI कर रहे हो, वैसे भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आ जाते हैं बेटा, परसेंटेज एवरेज रेशियो, परसेंटेज एवरेज रेशियो, इसका कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आती है वो भी इन्हीं पे बेस्ड होती है, इन्हीं पे ही बेस्ड होती है। तो ये टॉपिक्स तो आपकी बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ओके, अगर आपको सिंपल अगर यही टॉपिक की भी रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर लो, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट परसेंटेज परसेंटेज रेशियो एवरेज। डन। हाँ जी, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा DI। कह रहा है कि गिवन बिलो द पाई चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग ए नेशनल पार्क ऑन डिफरेंट डेज, टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिटिंग द पार्क। एक पार्क के अंदर कह रहे हैं
कि संडे फ्राइडे सैटरडे को ये लोग विजिट किया, उसके अंदर से मेल और फीमेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो टेबल से। ओके तो अब देखो टोटल कितना है 400। जैसे यहाँ पे मुझे 400 मिला तो मुझे क्या पता चल गया कि मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को बेटा बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मान लो मैं कहती हूँ कि बताओ कि फ्राइडे को कितने मेल्स ने विजिट किया है पार्क में, ठीक है। तो अब फ्राइडे मेल्स मैंने फाइंड आउट करना, मान लो ये पॉइंट समझ आ गया तो क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे। अब देखो जैसे यहाँ पे फ्राइडे, फ्राइडे को हमें पता चला कितना 25%, 25% ऑफ 400 कितना हो गया 100। अब मेल्स देखो फ्राइडे को कितना है 2:3 मेल्स, दैट मींस ये वाला पार्ट 2/5 ऑफ 100, दैट मींस कितना आ गया 40। ओके दैट मींस कि 40 मेल एंड 60 फीमेल्स। सिंपल ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फ्राइडे को अगर हम देखें तो टोटल कितना बन गया आपके पास 100, ये 30% दैट मींस कि 120 हो गया, ये है आपके पास 45%, 45% दैट मींस कितना हो गया 180 हो गया। इतने इतने लोगों ने विजिट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इफ ऑन मंडे, अब मंडे तो यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन नहीं है दैट मीन्स कि हमें मंडे के लिए कुछ फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द नेशनल पार्क आर इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% ज्यादा है किससे, ओवर द मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन सैटरडे। तो हमें यहाँ पे मेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सैटरडे को मेल्स कितने गए प्लस इससे 25% जो है सैटरडे को मेल गए, यही कहा है उसने। पहले क्वेश्चन को समझोगी यहाँ पे वर्डिंग्स क्या गिवन है आपके पास में, आगे क्या कहा है उसने, एंड फीमेल्स विजिटिंग इन द नेशनल पार्क, फीमेल विजिटेड इन द नेशनल पार्क ऑन मंडे इज 33% मोर देन द फीमेल्स विजिटेड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को जितनी भी फीमेल्स हैं उससे कितनी ज्यादा है 33:1/3% फ्राइडे को जो भी फीमेल्स आई हैं। हाँ जी बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी सबसे पहला पॉइंट है कि मेरी स्टेटमेंट मेरे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही तो क्वेश्चन करेंगे ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, करो फिर मेल्स कितने हो गए हमारे पास, पहले मेल्स फाइंड आउट करो। मेल्स सैटरडे को देखो मेल्स कितने गए, सैटरडे को टोटल कितना है 120, टोटल कितना हमारे पास में 120, और सैटरडे को मेल्स कितने हैं 5/12 दैट मींस कि 5/12 × 120 कितना आ गया 50 मेल्स हैं, कितने मेल्स गए 50, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में 50 प्लस 20% एक्स्ट्रा गए हैं, तो 20% कितना हो गया, 50 का 20% कितना हो गया बेटा 10, कितने हो गए मेल्स 60। सेम वे वी विल फाइंड आउट फॉर फीमेल। अब फीमेल देखो सैटरडे को, यहाँ पे फ्राइडे को फीमेल देखनी है आपने। अब फ्राइडे को देखो, अभी मैंने अभी भी सॉल्व किया था, फ्राइडे को कितना है 100, फीमेल कितनी है 3, तो दैट मीन्स कितनी होगी फीमेल्स 3/5 of 100 दैट मीन्स 60, 60 फीमेल्स, 60 तो फीमेल ये है। प्लस उसने क्या कहा है कि कितनी ज्यादा है करके 33:1/3% 33:1/3% दैट मींस कि 1/3 दैट मींस कि 1/3 ऑफ 60 कितना हो गया हमारे पास 20, टोटल 80। ओके हमें टोटल बताना है, तो टोटल किसके इक्वल हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे हम, दोनों को प्लस करा कितना आ गया आपके पास में 140, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 140। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल था, सिंपल था। अगर आपको समझ आ गया है क्वेश्चन के आज कंसेप्ट तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, डीआई का पार्ट जो है वो वाला, ये वाला पार्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे एक बार खुद से करने की कोशिश करो, उससे पता चलेगा कितना समझ आया है क्या है।
total females visiting in national park on Sunday and Saturday. Females क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, फीमेल ऑन संडे एंड सैटरडे टूगेदर आर वट परसेंट मोर लेस, मोर लेस दैट मीन्स की वी विल चेक फॉर द डिफरेंस ओके, देन द मेल्स विजिटिंग, मेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे प्लस संडे ओके। तो मेन पहले तो स्टेटमेंट को उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि मुझसे पूछना क्या चाह रहा है वो, मेरा क्वेश्चन क्या है। जब मुझे पता चल गया कि मेरा क्वेश्चन क्या है उसके बाद में उसको डीआई के अंदर से निकाल लो, जो जो भी पॉइंट आपको चाहिए उनको यूज कर लो, डन। तो यहाँ पे क्या कहा है उसने, फीमेल संडे एंड सैटरडे। अब देखो संडे सैटरडे, संडे टोटल 180 है बेटा ठीक है, सैटरडे 4 × 12 = 120 है ठीक है, और ये कितना था हमारे पास टोटल 100। अब फीमेल्स देखते हैं, फीमेल संडे को कितनी, फीमेल संडे, फीमेल संडे को है बेटा 4/9 कितना आएगा 4/9 × 180 प्लस फीमेल सैटरडे, फीमेल सैटरडे को कितनी है आपके पास में 7/12। वैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व किया था ओके, तो कितनी आ गई 80 + 70 कितना बन गया 160 हाँ जी 80 + 70 बेटा 150 बनेगा, 8 × 7 = 15 कितना बन गया 150 हो गया क्लियर। उसके बाद में साथ में क्या कह रहा है कि अब हमने मेल्स चेक करने फ्राइडे एंड संडे, अब मेल्स चेक करो फ्राइडे और संडे के, अब संडे को देखो यहां पे फ्राइडे चेक करते हैं, फ्राइडे को कितना है टोटल 100, 100 के अंदर से मेल कितने 2/5 ओके। उसके बाद क्या है संडे, संडे को देखो संडे को कितना है मेल्स 5/9 और संडे को कितना है आपके पास में दिस इज 180 दिस इज 5 क्लियर, कितना हो गया आपके पास में। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि बताओ कितना कम या ज्यादा है, तो फीमेल्स है 150 मेल्स है 140 दैट मीन्स क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10। हमने किस में फाइंड आउट करना है परसेंटेज के अंदर, किस में फाइंड आउट करेंगे हम परसेंटेज के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई 140 × 100 कितना आ गया आपके पास में दिस इज 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 1/14 की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, हाँ एक बार दोबारा से चेक करेंगे सभी कितना आ गया ये आपके पास, ये हो गया बेटा 80 ओके, ये हो गया 40 प्लस यहाँ पे हम मेल्स चेक कर रहे थे, मेल्स ऑन संडे, मेल्स ऑन संडे इज 5/9 1/14 ये तो ऑप्शन में है नहीं, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 1/14 की वैल्यू कितनी होगी 14 × 7 = 98 1/7% यस इतना ही आएगा, कितना आ गया आपके पास में 7 × 1/7% बिल्कुल करेक्ट है हाँ जी, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बेटा, कितना आ गया आपका 7 × 1/7% वैसे भी आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए 1/17 की वैल्यू कितनी होती है 1/14 की वैल्यू कितनी होती है 7 × 1/7% हाँ जी क्लियर। बताइए कोई इसके अंदर डाउट हो, कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या, वट इज द एवरेज मेल्स विजिटिंग इन नेशनल पार्क ऑन ऑल द 3 डेज, कह रहे कि सारे तीनों के अंदर से एवरेज ऑफ मेल्स फाइंड आउट करना है आपको। अगर हम सभी का देखते हैं तो मेल्स अगर हम देखें फ्राइडे को टोटल कितना है आपके पास में ये हो गया बेटा 180 अगर हम मेल्स देखते हैं तो मेल्स देखिए आप फ्राइडे, फ्राइडे को कितना आपके पास में
2 by 5 of 100 ठीक है, वैसे तो हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, पर मैं इसको क्यों बता रही हूँ बार बार, सो दैट कि कंसेप्ट आपका रेशियो और इसके अंदर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में सैटरडे, सैटरडे को मेल्स देखिए कितने हैं, 5 by 12 ओके। उसके बाद में संडे को अगर हम मेल्स देखते हैं तो कितना है, 5 by 9 क्लियर, कितना हो गया ये, दिस इज 40, दिस इज 50 एंड दिस इज 100, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा, 190 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज के लिए क्या करोगे, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। कितना आ गया, 3 × 18 3 × 9 1/3 हाँ जी बताइए, क्लियर बिल्कुल ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो शाबाश, क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड पर फीमेल ऑन एनी डे इज 45 एंड रुपीज 40 रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि भाई जो मेल है, मेल के लिए टिकट का प्राइस कितना है, 45 है, और फीमेल के लिए कितना है, 40 है। तो कह रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑब्टेन बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जो अमाउंट मिली है, फ्राइडे फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन द अमाउंट ऑब्टेन नेशनल पार्क ऑन संडे। ओके, अब फ्राइडे और संडे को सबसे पहले क्या करेंगे, मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितनी थी, मेल्स को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फीमेल को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लोगे, आई होप्स कर लेंगे सभी के सभी। देखो क्या, फ्राइडे को ये है आपके पास में, है ना, 100 के अंदर से बेटा 40 और 60, ये अपने पास में क्या आ गया, ये थे मेल और ये आ गया हमारे पास फीमेल, यही रेशियो आई थी। तो यहाँ पे देखो मेल्स कितना है, 40, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 के साथ में, फीमेल है 60, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ में, टोटल कितना आया, 90 1800 और 2400 कितना आ गया, 0 0 8 और 4 12 4 4200 रुपये आ गए, किसके आ गए, ये हमारे पास में फ्राइडे को टोटल जितना भी बना है। अब हम अगर संडे को देखें तो संडे को कितना था आपके पास में, 45%, दैट मीन्स कि ये कितना हमारे पास में, 180 के अंदर से मेल फीमेल कितना, मेल फीमेल कितना, ये आ गया आपके पास में, हाँ जी 100 मेल्स बेटा और फीमेल 80, 100 मेल्स 80 फीमेल्स आई थी, तो कितना आ गया, 100 × 45 और फीमेल कितनी है, 80 × 40। अब यहाँ पे कितना मिला हमें, 4500 + 8 = 32 वैल्यू आ गया आपके पास में 7700। नाम यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कितना कम या ज्यादा है, कितना कम या ज्यादा है, तो हमें पता है कि फ्राइडे को सैटरडे से क्या है, कम है, कितना कम है, डिफरेंस के बराबर, इनका डिफरेंस निकाल लो आप, डिफरेंस कितना आ गया, 7700 − 4200 कितना आ गया, 0 0 5 and 3 दैट मीन्स कि 3500, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3500। सिंपल है, मीन्स कि यहां से हमारे पास में क्या मिल रहा है, मुझे मेल फीमेल मिल रही है। उसके बाद में आपके पास जो भी क्वेश्चन में क्यूरी है, जैसे यहाँ पे कॉस्टिंग गिवन थी, यहाँ पे कुछ और भी गिवन हो सकता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके पास में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स विजिटिंग ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स। अभी देखो मेल्स फीमेल्स अभी हमने फाइंड आउट किए थे मेल्स, बट थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपके पास में डाटा गिवन उसको शॉर्ट में लिख लिया करो। अब जैसे यहाँ पे मेल्स ऑन फ्राइडे, जिससे हमारे पास गलती ना हो, और क्या कह रहा है, फीमेल ऑन सैटरडे, फीमेल ऑन सैटरडे। ओके, तो अब हमें पता है कि भाई मेल्स फ्राइडे को कितने थे, मेल्स फ्राइडे को कितने थे, 40 अभी किया था हमने, और फीमेल्स सैटरडे, सैटरडे को फीमेल्स अपने पास में कितनी थी, 70 डन, तो कितना आ गया, 4:7 देखो अभी किया हमने,
हाँ जी ये देखो सैटरडे, सैटरडे को कितना था आपके पास में, ये देखिए ठीक है ना, 75 की रेशियो आई थी आपके पास में। सो आई होप सभी को क्लियर है, बताओ कोई इसके अंदर डाउट हो, क्लियर है सभी को? ओके सो स्टूडेंट्स इट वॉज आल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ समझ आया वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जितनी आपकी शेयरिंग होगी उतनी ही आपको नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा मिलेंगी यूट्यूब पे, तो इसलिए सभी ने शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो न्यू यूज़र है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करनी है सो दैट कि कोई भी जो नई वीडियो आपकी आती है हम तो उस केस के अंदर आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।